नमस्कार, मैं हूं रंजन सिंह और आप न्यूज फाउंडेशन पर हैं। रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर से 3000 किलोमीटर पद यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। बता दें आपको कि यह पद यात्रा की शुरुआत गांधी की धरती जहां चंपारण से शुरू होने जा रही है और उसके बाद वो हर जगहों पर जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे। लेकिन देखिए, प्रशांत किशोर ने इस बात का ऐलान कर दिया और उसके बाद बिहार में बड़े बड़े लोग जो नामी चेहरे हैं उनसे वो मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। सच्चिदानंद राय जो निर्दलीय उम्मीदवार थे MLC चुनाव में और अच्छे खासे वोट से उन्होंने जीत भी दर्ज की है, उनसे मुलाकात की और कई ऐसे नेता हैं जिनसे वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद है, क्या बात है इसके पीछे, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर से बिहार के चंपारण से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा जन स्वराज यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस दौरान वो लोगों से मिलकर तय करेंगे कि बिहार को अग्रिन राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए किस खांच की योजना बनाई जाए। जाहिर है यात्रा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, ऐसे में यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशांत किशोर ने पूरी ताकत लगाने की तैयारी कर रखी है। यात्रा के पहले प्रशांत किशोर बिहार के उन चुनिंदा लोगों से मुलाकात भी शुरू कर चुके हैं जिनकी बिहार की जनता में कुछ अलग इमेज है, जो समाज के एक तबके के प्रभावित करने की स्थिति में है। प्रशांत किशोर ऐसे लोगों में इतने गुपचुप तरीके से मुलाकात कर रहे हैं कि इसकी जानकारी तभी लोगों के सामने आ रही है जब प्रशांत किशोर टीम उस मुलाकात की तस्वीर साझा कर रही है। मुलाकात पर उस शख्सियत के काम की चर्चा भी कर रहे हैं कि इनकी शख्सियत, इनकी खासियत क्या है। प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले ही शक्ति सुधा कंपनी के CEO सत्यजीत सिंह से मुलाकात की थी और मुलाकात बेहद अच्छे माहौल में हुई। इस मुलाकात ने न सिर्फ प्रशांत किशोर उत्साहित नजर आए बल्कि सत्यजीत सिंह भी बेहद उत्साहित दिखे। प्रशांत किशोर ने मुलाकात के बाद लिखा कि श्री सिंह के मखाना मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। श्री सिंह आज 12,000 से भी अधिक मखाना उत्पादकों के साथ जुड़कर बिहार में मखाना उद्योग को एक नई दिशा दे रहे हैं। सत्यजीत सिंह भी कहते हैं, मुलाकात बेहद अच्छे माहौल में हुई है और PK ने उनके कामों के बारे में जानकारी ली है। बिहार का विकास कैसे किया जा सकता है, ऐसे कई तरह की बातों में मुझे लगता है कि PK बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। हाल के दिनों में MLC चुनाव में भाजपा की तरफ से टिकट कटने से MLC सच्चिदानंद राय बेहद नाराज थे और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की और एक जाति विशेष में लोकप्रिय नेता के तौर पर उभर कर भी आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जब सच्चिदानंद राय से मुलाकात की और मुलाकात के बाद लिखा, बिहार विधान परिषद सदस्य सच्चिदानंद राय ने पटना में प्रशांत किशोर से मुलाकात कर जन स्वराज के सोच पर सहमति जताई है। IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग करने वाले सच्चिदानंद राय ने अपने शिक्षा प्रेम के लिए जाने जाते हैं। राय बालिकाओं के लिए निःशुल्क संत ज्वेलर अकादमी के नाम से संस्थान चलाते हैं। राय वर्तमान में रियल एस्टेट सहित IT कंपनी के मालिक भी हैं। ऐसे में जाहिर है कि प्रशांत किशोर समाज में कुछ अलग करने वाले से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, अपने मिशन में लगे हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि प्रशांत किशोर ऐसे लोगों की टीम बनाना चाहते हैं जिसे लेकर बिहार में साफ सुथरी राजनीति का मैसेज जनता को दे सके और जिसका जवाब विरोधियों के पास ना हो सके। सूत्र ये भी बताते हैं कि जिनकी 2 अक्टूबर की यात्रा के पहले कई लोगों से प्रशांत किशोर मुलाकात कर अपने साथ जोड़ सकते हैं और ये बड़ी बात है कि जिस लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं, जिन लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं, वो उनकी जो छवि है बेहद साफ सुथरी छवि है और ऐसे लोगों से मुलाकात करके प्रशांत किशोर ये बताना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जब वो ऐलान करेंगे कि उनके पार्टी में इतने नेता हैं, इतने लोग हैं, तो उस वक्त जब वो लोगों के बीच जाएं और बताएं कि हमारे पास कौन से चेहरे हैं और क्या करते हैं और किस तरीके की छवि है उनके पास, तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए प्रशांत किशोर रणनीति बना रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में वो चाहते हैं कि अगर हम ऐसी टीम के साथ उतरते हैं और अगर इस तरह की टीम उतरेगी साथ में जिसकी साफ सुथरी छवि होगी और कुछ अलग पहचान होगी,
तो जनता को एक अलग मैसेज दिया जाएगा और जिसके बाद विरोधियों के पास जवाब नहीं होगा। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार होता क्या है। वरिष्ठ फाउंडेशन के साथ नमस्कार।